मेरी एक छोटी सी मांग है, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर हैं, ये मांग है हमारे देश के ईपीएस पेंशनर और अदर पेंशनर्स, इनकी डिमांड पर ज़रा विचार किया जाए ताकि आप इस बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान करा दिया जाए ताकि वो एक डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है। 65 लाख पेंशन धारक जो कि लगातार ही एक ही मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि उनकी मेन मांग न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी प्लस महंगाई भत्ता प्लस उनके और उनके परिवारजनों के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए, उसको लेकर सभी सांसदों सभी विधायकों तक चक्कर काट चुके हैं और इस बार भी इस विंटर सेशन में उन्हें यही उम्मीद है कि उनके सांसद उनके विधायक उनके न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। पिछली बार भी माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने, माननीय सांसद नवनीत राणा जी ने हमारे पेंशन धारकों के मुद्दे को बड़ी ही विनम्रता से उठाया था संसद में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी हमारे पेंशन धारकों को अभी तक उनका असली हक न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर इस बार फिर से विंटर सेशन की तरफ हमारे पेंशन धारकों की आस जगी है। लेकिन साथ ही साथ पेंशन धारकों ने एक बड़ा ऐलान भी कर डाला है, इस विंटर सेशन के ख़त्म होने तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनकी न्यूनतम पेंशन को नहीं बढ़ाया गया, तो इस बार पेंशन धारक भी आंदोलन का ऐलान करने जा रहे हैं। दिसंबर में देशव्यापी आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, सांसदों विधायकों के घर का घेराव यहाँ पर किया जाएगा। आप सभी को पता है किसान आंदोलन ने सभी संगठनों को एक नई राह प्रदान की है, जिस प्रकार से देश भर के किसानों ने अपना हक लेकर मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है, माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है, इसी तरह हमारे पेंशन धारकों ने अब ये ठान लिया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, धरने से कुछ नहीं होने वाला है, अब देशव्यापी आंदोलन करना ही पड़ेगा। और अभी विंटर सेशन में अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, उनके विधायक सांसद उनका उनकी पेंशन बढ़ोतरी नहीं दिला पाए, तो दिसंबर में देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 65 लाख पेंशन धारकों के सबसे बड़े संगठन का ये दावा है, उन्होंने परिपत्र इसके रिगार्डिंग जारी कर दिया। अगर आप देश भर के पेंशन धारकों के साथ अगर आप भी मानते हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी इस विंटर सेशन में आपकी या मंजूर होने चाहिए, अदरवाइज आप भी अगर आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक दें, वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपडेट रह सकें कि उनके लिए उनके संगठन क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।